दोस्तों नमस्कार। इस समय क्रिकेट खेमा जो है विराट कोहली को लेकर दो खेमों में बटा हुआ है। एक खेमे का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप जो है अब उसमें नहीं खिलाना चाहिए विराट कोहली को, क्योंकि ये युवाओं का क्रिकेट है और युवाओं में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह जैसे तमाम क्रिकेटर जो है वो अपनी विशिष्ट छाप छोड़ सकते हैं, ऐसा कहना है। रवि शास्त्री तक जो उनके साथ रहे, उनकी जुगलबंदी ने भारत को बहुत से मैच जितवाए बायलेटरल सीरीज के, वो तक कहने लगे हैं कि ये यंगस्टर्स का क्रिकेट है। यानी एक तरह से उन्होंने केविन पीटरसन से लेकर तमाम दिग्गजों की बात को खारिज कर दिया। लेकिन अब इरफान पठान भी इस बातचीत में कूद आए हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि विराट कोहली टीम की जरूरत है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में उनको ना खिलाने को लेकर कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। बहुत ही साफ तौर पर उन्होंने विराट कोहली के लिए पैरवी की है। उनका कहना है कि वो एक बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में उनका प्रदर्शन देखने लायक होता है। जिसको कोई शक हो वो जाकर मेलबर्न में जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जो उनकी पारी थी 80+ की पाकिस्तान के खिलाफ, उसको देख ले। उसके बाद वो कभी उन्हें खारिज कर ही नहीं सकता। खैर, एक या दो मैचों के आधार पर तो हम इसका आकलन करना या कोई राय बनाना बहुत सही नहीं है, लेकिन विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मनोवैज्ञानिक तौर पर जो एक मानसिक दृढ़ता चाहिए वो इस खिलाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा इरफान पठान का ये भी कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है उसमें लगातार सुधार हुआ है। अगर देखा जाए तो क्रिस गेल के स्ट्राइक रेट से के आसपास ही उनका स्ट्राइक रेट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, क्योंकि क्रिस गेल का जो है फ्रेंचाइजी लीग में ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। और अगर हम स्ट्राइक रेट में भारतीय खिलाड़ियों से तुलना करें तो हार्दिक पांड्या का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाए 139 का स्ट्राइक रेट है, तो वहीं 139 का ही स्ट्राइक रेट करीब करीब 139 का रोहित शर्मा के नाम है और इनका 137 है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्राइक रेट के मामले में इन सब दिग्गजों से बहुत पीछे नहीं है। तो फिर किस आधार पर इन्हें खारिज किया जाए? और वैसे भी अगर हम IPL देखें तो IPL में जो तीन पारियां उन्होंने खेली, तीनों पारियां लाजवाब थी। पंजाब किंग्स के खिलाफ अगर हम देखें तो वहां पर इन्होंने जो बल्लेबाजी की 70+ का स्कोर बनाया, और अगर हम एक मैच KKR के खिलाफ देखें जहां इन्होंने 83 रन बनाए थे 59 गेंदों का सामना करके, यानी एक मैच में 70+ का स्कोर और एक मैच में 80+ का स्कोर। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी कोई फ्लॉप शो नहीं कहा जा सकता, 21 गेंदों पर 20 रन इन्होंने बनाए थे। तो अब विराट कोहली से यही उम्मीद की जाती है कि वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। जो वो शुरुआती ओवरों में पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं या टीम का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता है और अपने साथी खिलाड़ी को एक तरह से मौका देते हैं, शीट एंकर का रोल अदा करते हैं और कमजोर गेंदों पर बड़े प्रहार भी करते हैं, और उनकी मानसिक दृढ़ता जो है वो बाकी खिलाड़ियों से कहीं बेहतर है, जो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी होना जो है खासतौर पर बड़े आयोजन में ICC जैसे टूर्नामेंट में टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। और वैसे भी ICC का टूर्नामेंट जीते हुए भारत को लंबा समय हो गया है। यानी विराट कोहली दुनिया के सबसे बड़े जो है रन चेजर हैं और दबाव में भी इनका खेल बिखरता नहीं है। मानसिक दृढ़ता जिसे कहते हैं, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, ये सारी खूबियां उन्हें विशिष्ट बनाती हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।